शनिवार को जन आक्रोश यात्रा कुरवाई पहुंची। कांग्रेसी कार्यकर्ता और कुरवाई विधानसभा के दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशी प्रदीप अहिरवार, राहिनी अहिरवार, सुनील बोरसे और अन्य प्रत्याशियों ने अपने अपने खेमे के साथ टेंट लगाकर हार फूलों के साथ बिना तिराहे से लेकर मेन बस स्टैंड पर बने सभा स्थल पर हार फूलों के साथ जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने अपने भाषण में भाजपा पर हमला बोलते हुए भाजपा सरकार को कमीशन खोर सरकार बताया। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी विधायक जो भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफी मांगने वाली यात्रा निकालना चाहिए। यादव ने कहा कि 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मंत्री संतरी विधायक सारे के सारे लोग कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया किंतु खुद का विकास जरूर किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेतागणों को भी अरुण यादव ने हिदायत देते हुए कहा कि दिल्ली से जिनका भी मैंडेट होकर आएगा, सभी लोगों को उस प्रत्याशी के साथ रहकर काम करना है। पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का भी कोई उम्मीदवार कुरवाई विधानसभा में नहीं है। कुरवाई विधानसभा के विकास के लिए इस बार सभी कार्यकर्ताओं को एक होकर मेहनत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाना है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। आपको आशीर्वाद बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। और 2023 के चुनाव में हम मध्य प्रदेश में आप के सहयोग से एक मजबूत सरकार बनाएंगे। मैं कुरवाई के कार्यकर्ता भाइयों से, हमारे संगठन के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके एकजुट रहिए। 25 साल से आपने विधायक नहीं देखा है यहाँ पर कांग्रेस का। ये अगर प्रदेश में सरकार बन रही है, अगर कुरवाई का विधायक हम पेश कर गए तो हमें सरकार में से कोई लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल पाएगा। हम विकास की जो बात करते हैं वो बात हमारी पीछे रह जाएगी। सबसे मेरा हाथ जोड़ के निकल, जो हाथ के पंजे का मैंडेट लेकर दिल्ली से आएगा, हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जो हाथ पंजा पंजे का मैंडेट लाएगा उसको हम जिताकर भोपाल भेजेंगे, ये हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।